हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस स्टार्स मार्बल फिटिंग पर। आज हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं रूम के अंदर ग्रेनाइट किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको ठिए लगाना होगे। ठिए आप हमेशा लेवल के हिसाब से लगा लें। अगर आप ढलान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर लेवल रखना चाहते हैं तो लेवल भी रख सकते हैं। जैसे ये हम जो ठिए लगा रहे हैं वाटर लेवल के हिसाब से लगा रहे हैं। वाटर लेवल का हमारा निशान मार्किंग है इस पर, इसलिए हम इस पर ठिए लगा रहे हैं। अब हम धागा बांध लेंगे सूत, क्योंकि हमें बीच में भी ठिए लगाना होंगे, इसलिए हम सूत बांध कर बीच में भी ठिए लगा लेंगे। इस तरीके से जैसे मैंने ये सूत बांध लिया है दोनों साइड से, अब हम बीच में ठिए लगाएंगे क्योंकि हम एक एक पीस का मसाला फैलाएंगे इस तरीके से। और हम ये कमरा पत्थर बराबर ऊंचा रखेंगे। जैसे ये हमने दो टुकड़ी रखी है, एक हमारा लेवल रहेगा, जो देहली रहेगी वो हमारी 1.25 इंची ऊँची रहेगी अंदर फर्श के मुकाबले। वह अंदर का फर्श हमारा ऊँचा रहेगा 1.25 इंची। जैसे मैंने ये ठिए लगा लिए हैं, और जो हमने दूसरी टुकड़ी रखी थी उसके ऊपर से मैंने धागा लिया है। जो मैं ये ठिए लगा रहा हूँ इसके लेवल से हमारा फर्श रहेगा, और मैंने इसमें ढलान भी दिया है। आप नॉर्मल ढलान दे सकते हो, जैसे अगर इस कोने से यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा 1/2 इंची ढलान है, और उस कोने से हमारा इस कोने तक हमारा 1/4 इंची ढलान है। ये नॉर्मल ढलान होता है, आप इतना दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। गेट एड के अंदर सांस नहीं होती है। जितना आपको साइड से दिया है आपको उतना ही दूसरी साइड से भी देना होगा। यहाँ से भी आपको यहाँ पर 1/4 इंची देना होगा। मैंने लंबाई में 1/4 इंची दिया है और चौड़ाई में 1/2 इंच ढलान दिया है। मैंने ठिए के ऊपर करके धागा लगाया है। मैं इसमें एक फंटी एक टुकड़ा चलाऊंगा, जिससे हमारा लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, मसाले का जरा भी ऊँचा नीचा नहीं होगा, और ना ही हमारा पत्थर पोला रहेगा। बहुत अच्छी तरीके से लगता है, ये परफेक्ट तरीका होता है। और मसाला जो होता है, हम इसमें 8 बोरी बारू 1 बोरी सीमेंट मिलाते हैं। अगर आपका पक्का फर्श है तो फिर आप 7:1 का भी चला सकते हो। अगर आपका मोटा मसाला आ रहा है 2 इंची या 2.5 इंची, तो आप 10:1 का भी चला सकते हो, 10 बोरी बारू 1 बोरी सीमेंट। इस तरीके से हम मसाला फैलाते हैं। जो ये फंटी है वो ग्रेनाइट की फंटी है, फंटी से ही मसाला फैला लेते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, इस तरीके से आपका मसाला बिल्कुल लेवल फैलेगा। काफ़ी लोग कन्नी से मसाला फैलाते हैं, जिसमें दिक्कत हो जाती है, ऊँचे नीचा हो जाता है मसाला, और काफ़ी बार उनको सही करना होता है। हम एक टुकड़ी ले लेंगे, टुकड़ी से हम इस तरीके से नाप लेंगे, और हमने इसमें एक सूत की मार्किंग कर ली है। एक सूत मसाला हमारा ऊँचा रहेगा। जब हम इसको लगाएंगे और हम ठुकाई करेंगे अपने पीस की, तो ये लेवल हो जाएगा। मसाला हमारा फैल चुका है। अब हम इसके ऊपर ग्रेनाइट को बिछाएंगे। पहले ये हमारे कच्चे बिछाए जाएंगे, उसके बाद हम एक एक करके इसको पक्का करेंगे। आपको इस तरीके से बिछा लेना है, और बिछाने के बाद आपको साइडें नाप लेना है। साइडें आपने जितनी भी छोड़ी हो बॉर्डर के लिए, 20 इंची 18 इंची, जैसा आपने छोड़ा हो उस हिसाब से आपको देख लेना है। उसके बाद आपको दूसरा पीस बिछाना होगा। ये हमारे पीस बिछ चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे जॉइंट कैसे हो रहे हैं। जॉइंट में सांस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा सांस है, ऊपर साइड में मिल रहा है और नीचे सांस हो रही है। तो हम इसके लिए जो हमारी गैप है, इसमें हम मशीन चलाएंगे, जो हमारा गैप बराबर होगा, और हम इसको फिर चिपका लेंगे। इस तरीके से हम मशीन चलाएंगे। मशीन आपको सूखी नहीं चलाना, पानी के साथ चलाना। और जो ब्लेड लगाना है वो 0 चिपिंग ब्लेड लगाना है, सादा ब्लेड लगाना है, 0 चिपिंग हार्ड वाला नहीं लगाना है। 2 तरीके का होता है ब्लेड, एक हार्ड में होता है और एक सादा होता है। सादा लगाना है। ये ब्लेड आपको लगभग 100 रुपये में मिल जाएगा। आप जॉइंट देख सकते हो कितने बारीक जॉइंट हो गए हैं। इससे इस ब्लेड से झड़ता भी नहीं है आपका, बिल्कुल भी नहीं झड़ेगा ग्रेनाइट।
आपको जॉइंट पे सीमेंट जरूर लगाना है। जिस कलर का आपका ग्रेनाइट है उसी कलर को बनाकर आपको लगाना है। सीमेंट में मैंने कलर बनाया है, सीमेंट में आप कलर बना के लगा सकते हो, इससे आपका जॉइंट मिल जाएगा और कभी भी सांस नहीं होगी। काफी लोगों का देखने को मिलता है कि बाद में उनके जॉइंट खुल जाते हैं, इसी वजह से खुलते हैं कि वो ऊपर से लगा देते हैं और बीच में नहीं लगाते। अगर आपके पीस में बैंड आता है तो फिर आप इस तरीके से बोरी रखकर बैंड निकाल सकते हो, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बाद में आपका पीस ऊपर नीचे नहीं होगा। जिस जगह पर आप जैसे बोरी रखकर चिपकाओगे उसी जगह आपका ये चिपक जाएगा मसाले के अंदर और ये बाद में कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा, लेवल रहेगा। अब हम इसकी साइडें बराबर करेंगे। जो हमारे रूम में रेंच है, रेंच को हम बीच में निकालेंगे और जो हमारी साइडें होंगी वो हमारी बराबर होंगी। जैसे ये मार्किंग कर रहे हैं 20 इंच पर हम मार्किंग कर रहे हैं, चारों साइड से हमारी 20-20 इंच साइडें बराबर रहेंगी और जो भी 1-2 इंच 3 इंच हमारी जितनी भी रेंच होगी वो हमारी बीच में रहेगी। जैसे ये पीस हमारा कम ज़्यादा हो रहा है तो ये भी हमारा रेंच में निकल जाएगा। उसके बाद हम ये पट्टा लगाएंगे वाइट कलर का, वाइट और ब्लैक। उसके बाद हमारा फिर हमारा टाइगर ग्रेनाइट लगेगा इस तरीके से। ये हमारा 8 इंची बॉर्डर है, ये मैंने पार्टी के डिमांड पे बनाया है। जिस तरीके से पार्टी बोलती है उसी तरीके से हम काम करते हैं, हम सिर्फ उसको एक बार राय देते हैं, उसके बाद उसकी मर्जी पर हम छोड़ देते हैं। जैसा वो बताता है वैसा ही हम करते हैं, इसमें हम ज़्यादा अपनी साइड से नहीं करते हैं क्योंकि उसको मकान पर रहना है। अगर मैंने उसके एक बोलने से बोल दिया कि आप में 3 इंची पट्टा डलवाओ 2 इंची डलवाओ तो फिर उसको रहने, अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो जिंदगी भर वो यही सोचता रहेगा कि मिस्त्री ने अपनी चलाई। तो मैं इसलिए हमेशा काम पार्टी के मन से ही करता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसकी स्कर्टिंग बची। स्कर्टिंग हम एक ही बार में सारे रूमों की लगाएंगे जितने भी हमारे रूम हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।